इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री, यहाँ के पूर्व सांसद और सरलता, सादगी, त्याग की प्रतिमूर्ति माननीय वीरेंद्र खटीक जी, वीरेंद्र कुमार जी, आपका भी अभिनंदन है। इस अवसर पर हमारे अपने इस मंच पर विराजमान शासन के मंत्री माननीय गोविंद सिंह जी, गोविंद भैया जोरदार अभिनंदन करें, गोविंद भैया का भी। हम सबके वरिष्ठ नेता वर्षों वर्षों से इस पूरे क्षेत्र का आवाज बुलंद करते करते पूरे प्रदेश तो क्या देश में जिनका नाम है, ऐसे वरिष्ठ पूर्व मंत्री माननीय गोपाल भार्गव जी, आपका भी अभिनंदन है, वंदन है। कई कई जवाब जिनका नाम ही काफी है, जवाबदारियां, व्यवस्थाएं ये छोटी पड़ती है। लगातार जनप्रतिनिधि होने के नाते से जो इस तरह से जाने जाते हैं कि चुनाव लड़ने, अगर चुनाव का मौका हो तो आप कहते हैं कि जिस समय चुनाव की घोषणा हो उस समय नहीं जाऊंगा। ये जो अंदर की जनता के दिल पे जो राज करते हैं वही ये कर सकते हैं, हर एक किसी के बस की बात नहीं हो सकती। इस अवसर पर माननीय सांसद राज बहादुर जी, उनका भी अभिनंदन करता हूं। राज बहादुर जी का हमारे अपने वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक माननीय भूपेंद्र सिंह जी, उनका भी अभिनंदन है। आप भी अलग अलग दायित्वों का निर्वहन करते हुए भी क्लस्टर के प्रभारी भी हैं, बहुत सारे अलग अलग काम आपको मिलते रहे। हमारे उज्जैन के भी प्रभारी मंत्री रह चुके हैं। मैं इस अवसर पर मेरे अभिन्न मित्र शैलेंद्र जी जोरदार अभिनंदन करें, शैलेंद्र जी के लिए भी, शैलेंद्र जैन जी। शैलेंद्र जी ने कुछ मांगा, मैं बोलने में जरूर याद रखूंगा, मांगा तो सभी ने। अरे हमारे दो तीन मंत्री और रह गए, माननीय धर्मेंद्र जी पर्यटन मंत्री, इनके अभिनंदन करें। माननीय लखन पटेल जी जोरदार अभिनंदन करें, दिलीप परिहार, दिलीप अहिरवार जी जोरदार अभिनंदन करें, दिलीप जी के लिए भी। हमारे अच्छे, बहुत अच्छे नेता हैं और भाग्यशाली ऐसे हैं कि हमारे अपने पहली बार में छक्का लगा के सीधे मंत्रिमंडल का, ये ऐसे हमारे अपने जोरदार ऐसे व्यक्तित्व के धनी भी होना चाहिए। इस अवसर पर मेरे आपके इंजीनियर और पढ़ाई के साथ साथ अपने क्षेत्र की बहुत सेवा करते हैं, उनके यहाँ कॉलेज के लिए भी लेके आए प्रदीप लारिया जी, आपका भी अभिनंदन। प्रदीप भाई के लिए जोरदार अभिनंदन करें, कई कारणों से उनकी अलग पहचान है। हमारे पूरे मंच के ऊपर माननीय श्याम सुंदर जी जिला प्रभारी, अभिनंदन करें श्याम सुंदर जी का। जरा ताली वाली तो बजा, मजे नहीं आ रहा, मैं बोले जा रहा हूँ, अब आप नाम बोलते जाऊं और आप बोलते जाना। गौरव सिरोठिया जी, राजेंद्र सिंह जी गोकुलपुर, गोकलपुर है? मोकल के गोकल, मोकल ये लिख के मेरे को गोकल दिया, इसलिए मेरे को तो गोकुल वाले को गोकल ही याद आता है। तो गाय का कुल जिसके घर में, वो सब गोकुल वाले ही तो होते। जिनके घर गाय वो गोपाल, जिनका घर में गाय के गांव में बना हुआ वो गोकुल। हमारे परमात्मा की तो दया है, समूचा भरा पूरा मंच एक बार अभिनंदन कर दो, फिर अगली बार गलती हो जाएगी, नहीं तो ये नाम है अपने लिखने वाले गलती करे और मेरे मुंह से निकले वो थोड़ा ऐसा लगता है कि गलत हो रहा है। लेकिन अभी तो उत्सव का माहौल चल रहा है और उत्सव का माहौल कैसा चल रहा है इसका आनंद हम सबको आ रहा होगा। अपने यहाँ कितनी अच्छी संस्कृति, कितने अच्छे हमारे त्योहार पर्व रहते हैं। आप अंदाजे लगा लो कि हमारे जितने भी त्योहार और पर्व होते हैं, पर्व जितने भी होते हैं, जैसे एकादशी, नवरात्रि, सावन का मास, ये सब पर्व वाले जिसमें उपवास करते हैं, और त्योहार इतने जिसमें सबको खाने पीने को खूब मिले, खूब आनंद के साथ, मस्ती के साथ खाओ, तो होली, दिवाली, दशहरा ये त्योहार के रहते हैं। और संक्रांति हम सब समझ सकते हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री ने फिर हमको एक दिवाली दे दी है, एक त्योहार का मौका आया हम सबके लिए, जिस त्योहार के आधार पर हमारा अपना 22 तारीख का दिन इतिहास में अमर हो जाएगा, अमिट हो जाएगा। मैं आज इस बात के लिए बड़े गर्व के साथ भी कहना चाहूंगा, इस बात के लिए, क्योंकि जो बात चली है यहाँ सागर की धरती पर, सागर की वो धरती है जहां शिक्षा को लेकर के सर हरि सिंह गौर ने अलग अलग प्रकार से अपना जीवन की कई यात्रा और कई सारे मुकाम पर उनकी अपनी पहचान बनी, लेकिन उन्हें अपनी जन्मभूमि पर, सागर की धरती पर अपनी सारी संपदा लेकर के यहाँ आकर के जो विश्वविद्यालय का दान दिया था, वाकई वो उससे बड़ा दान कुछ हो नहीं सकता है। आधुनिक समय के लिए वो इतना बड़ा सम्मान है, मैं उनको नमन करते हुए अपनी बात कहूंगा।
सागर के माध्यम से विश्वविद्यालय उस समय खोल दिया जब सागर के बारे में आज भी कई कठिनाइयां आती है, कई सारी चुनौतियां सागर और सागर के लोगों ने सहन की है। सागर ने हमेशा एक बात का साथ दिया, मैं उसका नमन करता हूं। आला उदल के जमाने से इस बुंदेलखंड ने कभी गुलामी के आगे सिर नहीं झुकाया, ये मुझे इस बात का सदैव गर्व रहा है। कोई क्या कर सकता है, कोई यही कर सकता है, कोई खाने को कम देगा, पीने को कम देगा, कोई व्यवस्था छीन लेगा, लेकिन स्वाधीनता तो नहीं छीन सकता है ना। अपने खून का बलिदान देने के लिए जब बुंदेल आगे बढ़ते तो धरती डोलने लग जाती है, कंपायमान होने लग जाता है। यह हजारों हजार साल से यहाँ की परंपरा रही है, इसलिए ये कष्ट में कभी इस बात के लिए कोई छोटा मन नहीं करता है। हमारे यहाँ ये व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ वो व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जो व्यवस्था को भीख में मांगते वो कोई और होंगे, वो बुंदेले नहीं हो सकते। मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं, जिन व्यवस्थाओं के बलबूते पर स्वाभिमान के साथ, संस्कार के साथ और आत्म बलिदान की जो आग में जलना जानते, वही हमारे बहादुर शेर बुंदेले कहलाते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आला उदल को जो कोई पढ़ लेगा अपने आप एहसास कराएगा कि बुंदेलों की, यहाँ के क्षेत्र की जनता का बलिदान क्या होता है, उनके अंदर आग कैसे होती है, वो अपने उद्देश्यों के लिए जीते कैसे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करें, बिना रिफाइनरी के माध्यम से उन्होंने रोजगार की भी बड़ी संभावना अगर चालू की तो सबसे बड़ी सौगात 50,000 करोड़ की आपके इस बुंदेलखंड के अंदर दी, इसी सागर जिले के बिना रिफाइनरी के माध्यम से। और एक नहीं, दूसरी सौगात यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री के लिए भी अभिनंदन करें, शिवराज सिंह चौहान जी के माध्यम से, जिनने केन बेतवा का बड़ा निर्णय कराया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, केन बेतवा के माध्यम से बुंदेलखंड की धरती भी पंजाब को पीछे छोड़ेगी, लहलहा के फसल के माध्यम से अपना मार्ग खुद बनाएगी, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार की जो कमी होती थी, स्वरोजगार की, अपनी खुद की खेती हरी भरी करके अपना रास्ता खुद बनाएंगे। मैं इस बात के लिए प्रसन्नता और आनंद के साथ रहता हूं कि अपने इस क्षेत्र में आज के अवसर पर यहां पर लगभग 100 करोड़ की लागत से संत शिरोमणि रविदास जी के मंदिर का भी यही भूमि पूजन हुआ, यह भी सौभाग्यशाली धरती है। रविदास जी वो व्यक्ति है जिन्हें जीवन के कितने प्रकार के पाठ पढ़ाए जीवन में, वो भी उस दौर में जब रविदास जी को जीवन, उनकी अपनी जीवन पद्धति और उनका व्यवसाय, कई प्रश्न उठाते थे लोग उस समय, लेकिन अपने परमात्मा पे विश्वास करके सनातन संस्कृति को धन्य करने के लिए कोई संत आगे बढ़े तो वाकई रविदास जी को नमन करने की जरूरत है। आज के इस दौर में वो विचार आज भी पूजनीय है। रविदास जी का विचार ये छोटा मोटा नहीं है, हरि का भजे सो हरि का हो, जात पात पूछे न कोई, कितना उदात्त विचार, छोटा मोटा विचार है क्या? हमारे समाज को फूट डालने के आधार पर अंग्रेजों से लेकर कई लोगों ने ऐसे ही षड्यंत्रों के बलबूते पर समाज को लड़ाते लड़ाते पता नहीं कितने कष्ट दिए। ऐसे कठिन काल में भी रविदास जी ने वो उदात्त भावना अपने पास रखी और ऐसे कई शिष्यों की मालिका खड़ी करी जिसके भरोसे उन्होंने परमात्मा में विश्वास करने के लिए अपने उद्देश्य के ले आगे बढ़े। गंगा के किनारे बैठ करके बनारस के घाट पर इतना पवित्र विचार लेके कोई चल सकता है, वो एक ही नाम होगा, वो रविदास जी का नाम से बढ़कर कोई नाम नहीं होगा, जिनके पास चित्तौड़ की महारानी भी प्रणाम करके अपने आप को धन्य मानती है, ये रविदास जी का जीवन हो सकता है। हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। आज के इस अवसर पर यहीं पर एक और जानकारी देना चाहूंगा, यहाँ पर लवकुश भगवान का मंदिर भी 10 करोड़ की लागत से बनने वाला है, ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ऐसे कई कई कारणों से सरकार तो बनती है, सरकार बनना भी चाहिए, लेकिन सरकार और सरकार में फर्क कैसा होता है, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अन्य सरकारों की तुलना करके देखा जा सकता है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार, सरकार के बलबूते पे होने वाले काम और काम के जो धमक बनती है, वो धमक को बताने की जरूरत नहीं है,
एक ऑर्डर करा और 25,000 माइक जमा हो गए, आपको ध्यान में आएगा दूसरी बार हिम्मत नहीं पड़ी, दूसरी बार बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ये जो अपनी अंदर की व्यवस्था है, आज जैन समाज से लगाकर कई लोग इसका अभिनंदन कर रहे थे, तो वाकई वो मेरा अभिनंदन नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के निर्णय का अभिनंदन है। हमारे यहाँ सभी के कानून है, ध्वनि प्रदूषण कानून भी है, उसका पालन करना हम सबकी जवाबदारी। हम इस देश के अंदर सभी धर्मों को लेकर चलना जानते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन मेरे कारण से आप परेशान हो इस बात को कोई सरकार परेशान होने के लिए या सरकार उसको रोकना चाहती है। मैं आज के इस अवसर पर एक तो आपने जो मांग रखी शैलेन भाई, हमारे गोविंद भैया, बीडी जी सब ने कहा है कि यहाँ पर स्टेट यूनिवर्सिटी की जरूरत है, तो हमने कहा इसी साल जून से यहाँ विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा करते हैं। अगर हमारे अपने यहाँ इस जगह पर सरदार, हमको मालूम है सर हरि सिंह गौर अपने पैसे से विश्वविद्यालय खोल सकते हैं, तो इतनी सरकार इतनी दरिद्र थोड़ी है कि आप मक्की मांग नहीं मानेगी, निश्चित रूप से मानेगी, क्यों नहीं मानना चाहिए। और इसकी व्यवस्था भी हमारे अपने लिए, अभी कोई भवन तैयार होगा उसी भवन में इसी सत्र से विश्वविद्यालय प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ उद्योग के लिए भी बहुत जल्दी बुंदेलखंड पैकेज लेकर के इसी संभाग के अंदर उद्योग की बड़ी बैठक करके बड़े पैमाने पर उद्योगों की भी मालिका तैयार करेंगे, जिसके माध्यम से उद्योगों के आधार पर लोगों को रोजगार मिलेगा। इस व्यवस्था के आधार पर भी हमने निर्णय किया है कि बुंदेलखंड की धरती पर इस बात की भी आवश्यकता है। मुझे एक और बात आपने कही कि बुंदेलखंड में वो जो हमारी सड़कें खुद गई और आपने कहा कि वो टाटा कंपनी का कोई पैकेज है, हमने कहा कोई कंपनी ने एग्रीमेंट किया है तो हम तो उससे जब तक पाई पाई वसूल नहीं कर ले ये सरकार चुप नहीं बैठेगी। 25 करोड़ रुपए उससे वसूल करके निश्चित रूप से आपके इस सागर के लिए जो सड़कों के लिए खुद ही उसको देने का एस्टीमेट बनाया, मेरे पास नगर परिषद का ये आ गया एस्टीमेट का पत्र, निश्चित रूप से बहुत जल्दी आपकी राशि आपको देंगे और उससे हम निश्चित रूप से राशि लेंगे। आज के इस अवसर पर वैसे तो बहुत सारी बातें थी लेकिन समय कम पड़ गया। सबसे पहले तो मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे माफी चाहता हूं कि आने का समय जल्दी था लेकिन देरी से आया, लेकिन आने के बाद हमने अपनी एक नियम बनाया कि आने के क्रम में हमारे अपने प्रशासनिक लेवल पर जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग हो, प्रशासन के जरिए निर्माण कार्यों की बातें हो, उसकी भी मीटिंग होना चाहिए, इसलिए संभाग की वो बैठक भी हमको करना है। इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सबके माध्यम से, आप मेरी अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा लेकिन आपसे एक संकल्प करवा रहा हूं, अपने हाथ खड़े करो और आप भी खुद खड़े हो जाओ और हम सब संकल्प करें परसों के लिए कि राम जी के उस गर्भगृह में प्रवेश के लिए नरेंद्र मोदी जी जब अयोध्या में बैठ करके परमात्मा के लिए वो अद्वितीय क्षण हमको उपलब्ध करा रहे हैं, तो हम अपने अपने स्थान पर जो जहां है भाग बैठ करके दिवाली मनाएंगे, आनंद में सम्मिलित होंगे। बोलो तैयार है, तो अपनी मुट्ठी बांधो और एक बार बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय।